अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बिलवाड़। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबक नंबर 1 अल्लाह ताला का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक पुराने वक्तों का एक कहानी या किस्सा कह लें सुनाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा क्या होता है कि एक आदमी जो है उसके पास ड्यूटी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि आज जब मैं अल्लाह ताला के घर में की मस्जिद में नमाज अदा करने जाऊंगा, तो मैं अल्लाह ताला से शिकवा करूंगा, मैं शिकायत करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे जूते नहीं दिए। तो बच्चों, जब वो घर से निकलता है नमाज अदा करने के लिए, तो रास्ते में उनको एक फ़कीर मिलता है, और जब उन फ़कीर को देखते हैं तो उनकी टांगें नहीं होती। तो बच्चे, जब वो आदमी उस फ़कीर को देखते हैं, उनकी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो वो फ़ौरन जब नमाज अदा करते हैं तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पाँव अता किए। कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास पाँव और टांगे भी नहीं हैं, और मैं जूतों के लिए अल्लाह ताला से शिकायत करने चला। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सबक मिला कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अल्लाह ताला के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ा था अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए, और देखने के लिए आँखें दी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि और कौन कौन सी नेमतें हैं? वेरी गुड। अगर आप लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करना हो या अपनी गमी का इजहार करना हो तो आप किससे करते हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने कुछ बोलना हो तो आप लोग बोलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, आप लोग बोलने के लिए जबान में इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हमारे पास जबान ना हो तो हम लोग बयान ना कर पाएँ कि हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी और हमारी गमी किस चीज़ में हम ना बता पाएँ। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चलकर कहीं जाना हो या आप लोगों ने चलना हो तो आप लोग कैसे चलेंगे? किसी को पता है हम लोग चलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, चलने के लिए पाँव इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब क्या है? अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये सब अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं। तो हमें क्या चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, उस आदमी ने फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, तो हमें भी इन सारी नेमतों पे क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? किसी को पता है? वेरी गुड, अल्लाह ताला का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? हम नमाज पढ़ के अदा कर सकते हैं। हमें इस दुनिया में किस चीज़ के लिए भेजा गया है? अल्लाह ताला की इबादत के लिए भेजा गया है। तो अल्लाह ताला की, अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज अदा करेंगे, अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। और बच्चों, और कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करके हम लोग शुक्र कर सकते हैं अल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, आप साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने बोला कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह ताला ने बोलने के लिए ज़बान अता की, चलने के लिए पाँव दिए हैं, और शुक्र अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए। इसके बाद आप लोग खोलेंगे सबक नंबर 1 पढ़ रहे थे हम अल्लाह ताला, और आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है, डेट लगा दें और मेरे साथ साथ मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें। चलने के लिए पाँव और बोलने के लिए जबान दी। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज आप लोग यहाँ तक बुक रीडिंग करेंगे और आप लोग 2 या 3 दफ़ा इसको दोहराएंगे। उसके बाद आप लोग देखें कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा सबक पढ़ा है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग घर में अपनी मामा की मदद से इसको मुकम्मल करें। उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करें, दिन लिखें, तारीख लिखें, घर के काम को टिक करें, और अनुमान है अल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3।
तीन अल्लाह नून बढ़िए ने ये मीम आधा ये और नून होना हमें ये वो नाम नून बढ़िए ने बोलने या बढ़िए के बोलने के नाम ये बढ़िए बोलने के लिए क्या किए अलिख क्या दाल ये लिखिया दिया ये बढ़िए है और उसके साथ सवालिया निशान अल्लाह ने हमें बोलने के लिए क्या दिया है जवाब है अल्लाह ताला को आप सवाल से देख के लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला नून बढ़िए ने ये मीम दिए और नून गुना हमें बोलने के लिए जबान दी है। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों की नोटबुक के सफ़े पे अगर लाइंस बचती हैं तो उस पर आप जवाब की दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करें उसके बाद अगला पेज खोलें दिन लिखें तारीख लिखें घर के काम को टिक करें और उनवान है इमला। आज हमने तीन लाइनों में से जो किताब पढ़ाई की है उसमें से मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है पाँव, दूसरा लफ्ज़ है जबान, तीसरा लफ्ज़ है वक्त और आखिरी लफ्ज़ है नेमतें। इसको आपने पूरे सफ़े पे लिखना है और इसको याद भी करना है। प्यारे बच्चों आप लोग मेरी बातों पे ज़रूर अमल करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल से आप आज से बल्कि आप लोग नमाज पढ़ना शुरू करेंगे और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।